أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم صدق الله العظيم। अब यह तहवील क़िबला का मज़मून बराह रास्त आ रहा है, उसके लिए तमहीदी दो रुकू हम पढ़ चुके हैं। हज़रत इब्राहीम का तज़किरा जो मेमार हैं बैतुल्लाह के, अबुल अम्बिया हैं, इमामुन नास हैं, उन्हीं की एक नस्ल बनी इसराइल है, उन्हीं की एक नस्ल बनी इस्माइल है। उनका दीन क्या था, उसकी बुनियाद क्या थी, उन्होंने और ख़ुद उनके पोते हज़रत याकूब ने अपनी औलाद को किस बात की वसीयत की थी। अब वो औलाद मुख्तलिफ पगडंडियों पर चलकर कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है, ये सारा पस मंज़र है असल में इस तहवील क़िबला के लिए। और तहवील क़िबला पर अब पूरे दो रुकू आ रहे हैं, उससे बसा औकात ये ख्याल पैदा होता है, मेरे ज़हन में भी कभी होता था कि ये ऐसी बड़ी बात क्या थी जिसके लिए कुरान मजीद ने इतने शद्द व मद के साथ और इस कदर तफसील के साथ बल्कि तकरार के साथ बात की। तो असल में इसको यूँ समझिए कि एक ख़ास मजहबी जहनीत होती है, और वह मजहबी जहनीत यह होती है कि आमाल के ज़ाहिर पर उनकी तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ हो जाती है, आमाल की जो रूह है ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। अवामुन्नास का मामला यही हो जाता है, ज़वाहिर पर, रसूमात पर, जो ज़ाहिरी शक्लें हैं उनकी अहमियत, जो असल दीन है, रूह दीन है, जो मकासिद दीन है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती। नतीजा ये होता है कि ज़ाहिर में ज़रा सा फ़र्क उन्हें बहुत महसूस होता है। ज़रा सा फ़र्क हो गया, किसी ने रफ़ा दैन कर लिया, क़यामत आ गई, मालूम हुआ ये कोई और ही आ गया हमारी मस्जिद में, ये कौन है। किसी ने आमीन ज़रा ऊँचा कह दिया, फिर क़यामत आ गई। ये सारी चीज़ें जो ये ख़ास एक ज़हनियत होती है, इस ज़हनियत के पस मंज़र में ये मसला छोटा नहीं था। एक तो यह कि जो कबायली और कौमी पस मंज़र था उसके हवाले से समझिए, मक्के में जो लोग ईमान लाए, जाहिर बात है उन सबको अकीदत थी खाने काबा के साथ, खुद हुजूर को थी। आप रोते हुए निकले हैं और आपने ये फरमाया था कि ऐ काबा मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन तेरे यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। फिर यह कि वो जो अकीदत और मोहब्बत थी वो तमाम और मुसलमानों के दिलों में भी थी। मदीने में आकर आपने रुख बदल दिया, जब तक मक्के में थे मालूम होता है कि हुजूर जब खड़े होते थे नमाज के लिए तो आप इस तरह खड़े होते थे कि बैक वक्त इस्तिक़बाल क़िबलतैन हो जाता था, यानी जो जुनूबी दीवार है एक तरफ वो कोना है जिसमें हजरे अस्वद है और दूसरी तरफ वो यमानी है, रुकने यमानी जो यमन की तरफ है, जुनूब की तरफ है। इधर कोई शख्स खड़ा होगा और वहीं पर इन्हीं के दरमियान जो है जब तवाफ़ किया जाता है तो दुआ मांगी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बाकी पूरे तवाफ़ में आप जो चाहें दुआ मांगे, लेकिन यहाँ ये दुआ है ख़ास। अब अगर कोई शख्स इधर खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है तो काबा तो सामने है ही, ठीक सीध में यरूशलम भी है। इस्तिक़बालुल क़िबलतैन, एक ही वक्त में दो क़िबलों की तरफ रुख हो गया। मदीने में आकर मामला बदल गया, मदीना दरमियान में है, मक्का मुकर्रमा उसके जनूब में है और यरूशलम उसके शिमाल में है। अब जनूब की तरफ रुख करेंगे तो पीठ होगी यरूशलम की तरफ, यरूशलम की तरफ रुख करेंगे तो पीठ होगी काबे की तरफ। इसमें इम्तिहान हो गया उन लोगों का जो ईमान लाए थे
कि आया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की पैरवी करते हैं या अपनी पुरानी अकीदतों और अपनी पुरानी जो रिवायात है उनको ज्यादा अहमियत देते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो लोग मक्के से आए थे उनकी इतनी तरबियत हो चुकी थी कि उनमें से किसी के लिए कोई मसला पैदा नहीं हुआ। इकबाल का वो मिसरा फिर सुना रहा हूं, ब मुस्तफ़ा बरसा खीश रा के दी हम अगर बऊ न रसीदी तमाम बोला बीस। हालांकि कुरान मजीद में कहीं मनकूल नहीं है कि अल्लाह ने हुक्म दिया था, हो सकता है अल्लाह ने हुजूर को वही खफी के जरिए से हुक्म दिया हो, लेकिन वही जली में कहीं नहीं है कि आपको हुक्म दिया गया हो कि अब यरूशलम की तरफ रुख करके नमाज पढ़िए। यह इम्तिहान हो गया कि रसूल का इत्तेबा कितना कुछ है। अब जब यह हुक्म आया अब इम्तिहान हो गया जो मदीने में रहने वाले जो ईमान लाए थे उनका, इसलिए कि यहां यहूदी भी थे बाज़ उनमें से ईमान लाए, अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे उनको उलमा में से थे, लेकिन जो और दूसरे लोग थे वो भी ज़ेरे असर थे यहूद के उलमा के, उनके दिल में भी यरूशलम की अजमत थी। अब जब उन्हें रुख करना पड़ा तो यह उनके ईमान का इम्तिहान हो गया, तो यह बड़ा इम्तिहान था इसमें कि जो सबके लिए मुसबर था। और मुसलमानों में से बाज़ लोगों के दिलों में यह ख्याल भी पैदा हुआ होगा अगर असल क़िबला यह था तो हमने अब तक जो नमाजें पढ़ी हैं वो तो फिर हमने गलत उस पर पढ़ी। हमारी इतनी सालों की किसी को ईमान लाए वो 10 बरस हो गए, हमारी उन नमाजों का क्या बनेगा? वो नमाजें ज़ाय हो गई तो नमाज तो ईमान का रुकन रकीन है, तो बड़ी तशवीश पैदा हो गई। इसके साथ ही एक मसला ये पैदा हुआ सियासी एतबार से कि यहूद अब तक तो ये समझ रहे थे कि हुजूर ने और मुसलमानों ने हमारा किबला इख्तियार कर लिया है, तो गोया कि हमारे कैंप फॉलोअर्स हैं, हमारा तो उन्होंने इत्तबा किया है, लिहाजा हमें कोई खास अंदेशा नहीं उनकी तरफ से। लेकिन अब जब किबला बदल गया तो उनके कान खड़े हो गए कि ये तो फिर कोई नई अब मिल्लत है और नई उम्मत की तश्कील हो रही है, लिहाजा उनकी तरफ से मुखालफत जो थी उसके अंदर शिद्दत ज़्यादा पैदा हो गई। ये सारे मजामीन थे कि जो यहाँ पर ज़ेर बहस आ रहे हैं। सयकून सुफहा मिन अन्नास, बहुत गैर मामूली है इसका आगाज ही इस आयत का। अन करीब कहेंगे लोगों में से अहमक और बेवकूफ लोग, मा वल्लाहु मन क़िबलतहिम अल्लती कानू अलैहा, किस चीज ने फेर दिया इन्हें उस क़िबले से कि जिस पर ये थे। यानी ये 16 महीने नमाज पढ़ी है बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके यरूशलम की तरफ, अब किस चीज ने फेर दिया इन्हें। قل لله المشرق والمغرب, देखिए वही अल्फाज जो 14वें रुकू में आए थे जो तमहीद बन रहे थे, कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरक़ और मगरब, गोया कि शिमाल और जुनूब, मशरक़ व मगरब, शिमाल और जुनूब मुहावरे में मशरक़ व मगरब ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सब अल्लाह के हैं, अल्लाह किसी सिमत में महदूद नहीं है। यहदी मन यशाउ इला सिराति मुस्तकीम, को जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे देता है। व कज़ाले का जाल नाकुम, अब ये खास बात कही जा रही है, ए मुसलमानों तुम इस तहवील क़िबला को मामूली बात ना समझो, ये अलामत है इस बात की कि अब तुम्हें वो हैसियत हासिल हो गई। व कज़ाले का जाल नाकुम उम्मतम वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, अब तुम्हारा फर्ज मनसब ही ये है कि रसूल ने जिस दीन की गवाही तुम पर दी है अपने अमल से अपने कौल से, उसी दीन की गवाही तुम्हें देनी है अपने कौल से और अपने अमल से पूरी नौ इंसानी पर। अब तुम लिंक बन गए हो, अब तक नबूवत का सिलसिला जारी था, एक नबी की तालीम खत्म हुई, बिगड़ गई, तहरीफ हो गई, गायब हो गई, दूसरा नबी आ गया, फिर कुछ तीसरा आ गया, चले आ रहे, लिहाजा हर दौर के अंदर अब वो जो मामला था तसलसल के साथ चल रहा था, अब यहां नबूवत खत्म हो रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो नौ इंसानी तो खत्म नहीं हो रही, अभी क़यामत तो नहीं आई है। अब आगे लोगों को तबलीग करना, उन तक दीन पहुंचाना, उन पर हुज्जत कायम करना, उनका एहकाक पर इब्ताल बातिल का फरीजा सर अंजाम देना, ये कौन करेगा? तो पहले तो हमेशा अल्लाह की तरफ से वही जिब्रील लाए और नबी के पास आ गए, नबी ने लोगों को सिखा दिया। अब यह कि अल्लाह से जिब्रील लाए मोहम्मद के पास, मोहम्मद ने सिखाया तुम्हें और तुम्हें सिखाना है पूरी नौ इंसानी को, तो तुम अब वो दरमियानी लिंक हो। व कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा, यह मज़मून ज्यादा खुलेगा चलकर सूरह हज की आखिरी आयात में। इसी तरह से मुराद यह तहवील क़िबला एक मज़हर है इसका,
इससे अब तुम अपनी जिम्मेदारियों का अंदाजा करो, सिर्फ खुशियां ना मनाओ, जश्न ना मनाओ, बल्कि यह कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ है जो तुम पर आ गया। कभी हमने अपने बंदे मोहम्मद के कांधों पर जब यह बोझ रखा था तो उनसे भी कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ऐ नबी हम आप पर एक भारी बात डालने वाले, वही भारी बात बहुत बड़े पैमाने पर अब तुम्हारे साथ तुम्हारे कंधों पर आ गई है। وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, और हमने नहीं करार दिया था उस क़िबले को जिस पर के ऐ नबी आप पहले थे। यानी ये दो तरह की बात हो सकती है, वही ये खफी से अल्लाह ने फरमाया हो कि ऐ मोहम्मद अब कुछ अरसे के लिए यरूशलम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, वही जली में नहीं है। और यह भी हो सकता है ये हुजूर का इज्तिहाद हो और उसे अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, दोनों बातों का इम्कान मौजूद है। हुजूर के इज्तिहाद पर अगर अल्लाह की तरफ से नफी ना आए तो वो गया अल्लाह की तरफ से। वमा जअलना क़िबलत अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिअ अर-रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैह, और नहीं ठहराया था हमने उस क़िबले को जिस पर के आप रहे हैं मगर ये जानने के लिए कि कौन है, ये जाहिर करने के लिए कि कौन है कि जो इत्तबा करते हैं रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कौन है कि जो अपनी एड़ियों के बल लौट जाते हैं। यानी मदीने में आकर अगर कोई मक्के का मुसलमान कहता साहब ये क़िबला मुझे कबूल नहीं है, वो वापस हो जाता, ऐसा हुआ नहीं। और अब जब मक्के की तरफ रुख हो गया है तो कोई अंसार में से कोई मदीने में जो ईमान लाए उनमें से किसी ने कहा कि ठीक है जी हमारा क़िबला वो था, अब आपने अपना क़िबला बदल दिया, आपका रास्ता और हमारा रास्ता और, नहीं, वो तमाम के तमाम मुसलमान इन आजमाइशों में कामयाब हुए। वह इन कानत न कबीरतन नज़ीन हदल्ला, और वाकया ये है यकीनन ये बहुत बड़ी बात थी, इस तरह क़िबले के अंदर तब्दीली कबूल कर लेना आसान बात नहीं होती, बड़ा बड़ा हसास मसला होता है, मगर उनके लिए कि जिनको अल्लाह ने हिदायत दी। वमा कान अल्लाह लियज़िअ ईमानकुम, और अल्लाह हरगिज तुम्हारे ईमान को ज़ाय करने वाला नहीं है। ईमान से यह मुराद नमाज, नमाज जो है सलात इमादुद्दीन, वो जो तशवीश हो गई थी कि हमारी उन नमाजों का क्या बनेगा जो हमने 16 महीने पढ़ी हैं बैतुल मक़द्दस की तरफ रुख करके। वमा कान अल्लाह लियज़िअ ईमानकुम, उस वक्त वो हुक्म था रसूल का वो अल्लाह के यहाँ मकबूल है, इस वक्त ये हुक्म है जो तुम्हें रसूल की मार्फत मिल रहा है, अब तुम इसकी पैरवी करो। इन अल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला तो इंसानों के हक में बहुत ही शफीक है और बहुत ही रहीम है। कद नरा तकल्लुम वजहका फिस समा, मालूम होता खुद हुजूर को इंतजार था इस फैसले का, और मालूम होता है कि आप पर भी शाख गुजर रहा था यह वक्फा कि जिसमें नमाज पढ़ते हुए पीठ हो रही थी बैतुल्लाह की तरफ, तो आप बार बार आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठती थी कि कब वही आए, कब जिब्राइल हुक्म लेकर आए। कद नरा तकल्लुम वजहका फिस समा, ऐ नबी हमने आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख लिया है। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदौहा, इस आयत में बड़ी शफकत, बड़ी मोहब्बत, बड़ी इनायत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से, तो हम बदले देते हैं, फेरे देते हैं क़िबला जो आपको पसंद है। जाहिर बात है कि हुजूर को जो मोहब्बत थी और जो भी आपको एक रिश्ता कल्बी था बैतुल्लाह के साथ, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदौहा, हम बदले देते हैं, बदल देंगे क़िबला उसी तरफ जो आपको पसंद है। फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो बस अब फेर दीजिए अपने रुख को मस्जिद हराम के रुख पर। वहैसुमा कुंतुम, और मुसलमानों जहां कहीं भी तुम हो, मदीने में हो या कहीं और हो, मगरिब में हो, शिमाल में हो, जुनूब में हो, कहीं हो, फवल्लू वुजूहकुम शत्रा, तो अपना चेहरा नमाज में उसी के रुख पर फेरो। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहु अल-हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, और जिन लोगों को किताब दी गई थी वो जानते हैं कि यह हक है उनके परवरदिगार की तरफ से। तौरात में भी यह मजकूर था कि असल क़िबला इब्राहिमी वही था, इसलिए कि यरूशलम तो तामीर किया है हजरत इब्राहिम से कोई 1000 साल के बाद हजरत सुलेमान ने, ये जो भी हैकल सुलेमानी है कम से कम 1000 बरस का फसल है हजरत इब्राहिम में हजरत सुलेमान, तो हजरत इब्राहिम का क़िबला कौन सा था? तो वो भी मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब ने उर्दू में तर्जुमा किया है मौलाना हमीदुद्दीन फराही की किताब का, और वो बहुत अहम है इस मौजू को समझने के लिए, बहुत से मुसलमान मुफस्सरीन ने भी इसमें ठोकर खाई है।
ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون, اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو وہ کر رہے ہیں. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتک, اے نبی آپ ان اہل کتاب کو اگر تمام دلائل بھی دے دیں گے, تمام نشانیاں بھی دکھا دیں گے, تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابعین قبلتہم, اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی, یہ تو لکم دینکم ولی دین والا معاملہ ہو گیا. وما بعضہم بتابعین قبلت بعض, حد یہ ہے کہ یہ خود جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یعنی نصارہ اور یہود اگرچہ یروشلم سب کا قبلہ ہے, لیکن عین یروشلم میں جا کر جو یہودی ہیں وہ مغربی گوشے کو اس اختیار کرتے تھے, مغرب کی طرف رخ کرتے تھے ہیکل سلیمانی میں, اور جو نصارہ ہے وہ مشرق کی طرف. اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے جو اعتکاف کیا تھا مکانا شرقیا, وہ جو مکان تھا ان کا جہاں اعتکاف تھا, جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا ہے, وہ ہیکل کے کسی شرقی گوشے میں تھا. تو انہوں نے عیسائیوں نے اسی کو اپنا شرقی گوشے کو قبلہ بنا لیا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ, اور اے نبی اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, من بعد ما جاءك من العلم, اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم صحیح علم آ چکا ہے, اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, تو آپ بھی پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. معاذ اللہ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی تورات اور انجیل کے جو صحیح ماننے والے ہیں, یہ نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے, تورات اور انجیل کے ماننے والوں میں سے غلط کاروں کے لیے مجہول کا صیغہ آتا ہے, اوت الکتاب, جنہیں کتاب دی گئی تھی, اور جو ان میں سے ٹھیک تھے صحیح رخ پر تھے ان کے لیے معروف کا صیغہ ہوتا ہے, جنہیں کتاب ہم نے دی تھی. یہ انداز جو ہے معروف اور مجہول کا, یہ آپ دیکھیں گے کہ فرق ہوگا, جہاں ان کی کسی غلط بات کا تذکرہ ہوگا الذین اوت الکتاب, اور جہاں اچھی بات کا تو وہاں یہ کہ جو آتیناہم الکتاب. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں اس کو. ہو کی ضمیر قبلے کی طرف بھی ہے, اور ہو کی ضمیر محمد الرسول اللہ کی طرف بھی ہے, ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی ہے. ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, اور یقیناً ان میں سے گروہ وہ ہے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں. الحق من ربك, یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین, تو آپ ہرگز نہ بنے شک کرنے والوں میں. یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے, اور حضور کی وساطت سے اصل میں ہر مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے. یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی شک اپنے پاس مت آنے دو, یہ تو حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا. ایک باطنی رخ کیا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ایک ہے ظاہر, نماز کا ظاہر ہے آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے, آپ نے وضو کیا ہے. ایک نماز کا باطن ہے, خشوع ہے, خضوع ہے, حضور قلب حاصل ہے, رقت ہے, معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے. اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ کعبہ ہے بیت اللہ ہے, ایک یہ فاستبق الخیرات, تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا, جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا, جمع کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام, اور جدھر سے بھی آپ کا نکلنا ہو, کہیں سفر کریں, کہیں بھی جائیں, تو آپ اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یہ یقیناً حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. یہاں بظاہر جو ہے کلام حضور سے ہے, اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور دیکھو جہاں بھی تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف. امریکہ میں جاؤ تب بھی رخ ہوگا مسجد حرام کی طرف, روس میں جاؤ رخ تمہارا ہوگا مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, تو اپنے چہروں کو پھیر دو اسی کے رخ پر. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل. اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ کعبہ ہوگا,
اگر حضور یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود حجت قائم کرتے مسلمانوں پر کہ دیکھو تورات میں تو یہ لکھا ہے اور انہوں نے وہ اختیار نہیں کیا. تو یہ گویا کہ ان کے اوپر اتمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے, ان کی حجت کی جڑ بھی کٹ رہی ہے. الا الذين ظلموا منهم, سوائے ان میں سے ان کے جو ظالم ہیں, اعتراض کرنے کے لیے لاکھ انہوں نے پھر بھی ہیلے بہانے بنائی لینے ہیں. فلا تخشوهم, تو اے مسلمان ان سے نہ ڈرو, واخشوني, مجھ سے ڈرو. ولأتم نعمتي عليكم, اور یہ جو تحویل قبلہ ہوئی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت کو شکل دی جا رہی ہے اور اسے اب امامت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے, وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے. یہ اس لیے ہے, ولأتم نعمتي عليكم, اپنی نعمت میں تم پر اس کا اتمام فرما دوں, مکمل کر دوں. ولعلكم تهتدون, اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا, جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں ایک رسول. اب یہ دعا ابراہیم و اسماعیل یاد کر لیجئے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اب گویا کہ وہاں تو دعا تھی اور یہ 3000 سال کے بعد اس دعا کا ظہور ہو رہا ہے بعثت محمدی کی شکل میں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسول اپنا تم ہی میں سے, یتلو علیکم آیاتنا, وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات, ویزکیکم, تمہیں پاک کرتا ہے, تزکیہ کرتا ہے تمہارا, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی. یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے, حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں جو ترتیب تھی یہاں اللہ نے اس کو بدل دیا ہے. وہاں کیا تھا, تلاوت آیات, تعلیم کتاب و حکمت, پھر تزکیہ. یہاں کیا ہے, تلاوت آیات, پھر تزکیہ, پھر تعلیم کتاب و حکمت. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں ہو سکتی, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی امپرووڈ فارم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی, اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا. نیت کج ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی. اور تزکیہ کا حاصل کیا ہے, نیت درست ہو جائے, اخلاص, نحن لہ مخلصون. اگر یہ نہیں ہے تو جتنا پڑھو گے, جتنے بڑے عالم ہوگے, شیطان بھی بن سکتے ہو. بڑے بڑے فتنے عالموں نے اٹھائے ہیں. یہ جو دین اکبری تھا یا دین الہی تھا, اکبر کے تو باپ دادا کو کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا اس کا. یہ پٹی پڑھانے والے کون تھے, ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء, بہت بڑے علماء. اسی طرح غلام احمد قادیانی, اس کو اصل میں جو بھی پٹیاں پڑھائی ہیں وہ تو پڑھائی حکیم نور الدین نے, جو بہت بڑا عالم تھا, اہل حدیث عالم تھا. تو در حقیقت بہت بڑا عالم ہوگا اگر اس کی کج ہو گئی نیت, تو اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا. اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے, یہی مضمون سورہ آل عمران میں آیا, یہی مضمون پھر سورہ جمعہ میں آئے گا, وہاں بھی ترتیب یہی ہے. تینوں جگہ پر اللہ کی طرف سے ترتیب یہی ہے, یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, اور اس تزکیہ کے بعد پھر تعلیم کتاب و حکمت, ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں سکھا رہا ہے جو کچھ علم تمہیں حاصل نہیں تھا. فاذکرونی اذکرکم, پس مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ بہت بڑا میثاق ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے, بہت بڑا وعدہ. اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے, میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں, اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے, ملائکہ اعلیٰ کی محفل ہے, فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے, خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکا خسرو, محمد سمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں, تو بہرحال ہے تو صحیح, ایک محفل تو ہے. میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم, واشکرونی ولا تکفرون, اور میرا شکر کرو, میری نعمتوں کا ادراک کرو, اس کا شعور حاصل کرو, اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو, اپنے عمل سے بھی, جوارے سے بھی ان نعمتوں کا ادا کرو.
यहां वो 18 रुकू खत्म हो गए, निस्फ अव्वल इस सूरह मुबारका का मुकम्मल हो गया। अब आगे से खिताब है या अय्युहन्नज़ीना आमनू, एक नई उम्मत आ गई, चार्टर उसका आ गया। क्यों बनाया गया तुम्हें? लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकूनु रसूल अलैकुम शहीदा। तुम अब लिंक हो हमेशा हमेशा के लिए मोहम्मद और पूरी नौ इंसानी के दरमियान। इसीलिए वो हदीस भी तो है जो उलमाए हक होते हैं उनके बारे में फरमाया, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा का मकाम वही है जो बनी इसराइल के उलमा का। इसलिए कि अब नबूवत तो खत्म हो गई मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये किताब तो है, इसका पहुंचाना तो है, इसको आम तो करना है, हुज्जत तो कायम करनी है, और सिर्फ तबलीग से नहीं अमल करके दिखाना है, वो निज़ाम कायम करके दिखाना है जो मोहम्मद अरबी ने कायम किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब हुज्जत कायम होगी। उसके लिए तुम्हें कुर्बानियां देनी होंगी, मुश्किलें झेलनी होंगी, जानो माल का नुकसान बर्दाश्त करना होगा, आराम से घर बैठे ठंडे पेटों कुफर जगह नहीं छोड़ देगा और हक नहीं आ जाएगा। कुफर को हटाने के लिए और बातिल को खत्म करने के लिए और हक को कायम करने के लिए तन मन धन तुम्हें लगाने होंगे। अब देखिए वो कॉल आ रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिस्सब्र वस्सलाह। यही वो अल्फाज थे कि वो जो सात आयतें थी जिनको मैंने कहा था खिताब में बनी इसराइल में, वो मबिन ज़िलाए फातिहा है, उनमें अल्फाज आए थे वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अब वही खिताब यहां हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिस्सब्र वस्सलाह, मैं बयान वहां कर चुका हूं, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, जान लो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस बाइयत से क्या मुराद है? एक बात तो मुत्तफ़क़ अलैह है, अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत उनके शामिल हाल है। बाकी ये कि अल्लाह ताला जहां कहीं भी हम हैं हमारे साथ है, किस तरह है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये फरमाया उसने कि मैं तो तुम्हारी दगे जान से भी ज्यादा करीब हूं। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, अब पहले ही कदम पर कत्ल की बात आ गई। शर्त अव्वल कदम इनस्त के मजनू बाशी, पहला कदम यह है जाने देने के लिए तैयार हो जाओ। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, मत कहो उनको कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए मुर्दा, वो मुर्दा नहीं है बल अहया, वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं है। शुहदा, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उनके लिए यौम आखिर तक का इंतजार नहीं है, उनको बराह रास्त जन्नत में दाखिला मिलता है। क़ीलत खुलिल जन्ना قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين, वहां ताखीर नहीं है, लिहाजा वो तो जिंदा है। यही मजमून फिर आएगा सूरह आल इमरान में और ज्यादा निखर कर। ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع, अब यह है कि पहले से दिखा दिया, अल्लाह ताला धोखा नहीं देना चाहता। देख लो जिस राह में कदम रखा है, अब आजमाइशें आएंगी, तकलीफें आएंगी, रिश्तेदार नाराज होंगे, बीवी शौहर से लड़ेगी, शौहर बीवी से लड़ेगा, औलाद वालदेन से जुदा होगी, ये सब कुछ होगा, फसाद होगा, फतूर होगा, तसादुम होगा, जान और माल का नुकसान होगा। वला नब्लुवन्नकुम, हम लाज़िमन आजमाएंगे तुम्हें, बिशई मिनल खौफ, खौफ की कैफियत से, वलजू भूख फाके, कैसे कैसे फाके आए हैं, क्या हुआ है ग़ज़वा अहज़ाब में, क्या हुआ है जो इससे बाद जो जैशुल उसरा है, तो तबूक की जंग है। व नक्से मिन अल अमवाल वल अनफुस व समरात, और नुकसानात होंगे माली भी जानी भी और समरात। अब समरात यहां दो मानी दे रहा है, क्योंकि मदीने वालों की जो थी असल जो उनकी मईशत थी वो ज़रई थी, फल खासतौर पर खजूर ये उनकी पैदावार थी, जिसे आजकल आप कहते हैं कैश क्रॉप जो है उनकी वो ये थी। अब ऐसा भी होगा कि फसल तैयार खड़ी है, अगर उसे उतारा ना खजूर से तो ज़ाय हो जाएगी, और उधर से तबूक का हुक्म आ गया निकलो अल्लाह की राह, ये सारी फसल ज़ाय हो जाएगी, इम्तहान हो गया कि नहीं। और इसके अलावा एक और है इसका मफहूम, इंसान कुछ बहुत मेहनत करता है, जिद्दोजहद करता है, कैरियर बनाता है, अपना एक मकाम बना लेता है उस कैरियर में, उस प्रोफेशन में, इस रास्ते पर आता है तो कुछ और ही शक्ल इख्तियार करनी पड़ती है। वो तिजारत के जमाने में जो मेहनत की थी, वो कैरियर को अब जमाने में जो मेहनत की थी,
वो सारा का सारा मामला जो है वो खोकर फिर इस वादी में आना पड़ता है। वलनबलवन्नक, ये भी समरात है ना, मेहनत के समरात। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात वबशिरिस साबिरीन। और ए नबी बशारत दीजिए साबिरों को, सब्र करने वालों को। ये कौन है? अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो लोग के जिनको जब भी कोई मुसीबत आए, قالوا انا لله وانا اليه راجعون, वो कहते हैं हम अल्लाह ही के तो हैं, अल्लाह ही की तरफ हमें लौट जाना है। कल भी जाना था, आज चले जाए, हाजिर हैं, जितनी जल्दी बुला लो। निशाने मर्द मोमिन बातों गोयम, जो मर गाया तबस्सुम मर लबे उस, तो मर्द मोमिन की तो निशानी यही है कि जब मौत आए तो मुसर्रत के साथ उसके चेहरे पर, उसके होंठों पर मुस्कुराहट। यही मां मैंने कहा था, लिटमस टेस्ट ये है कि बंदा ए मोमिन इस दुनिया में ज्यादा रहने की ख्वाहिश नहीं कर सकता। लाइफ इज ए लाइबिलिटी, जो लम्हा आ रहा है उसका हिसाब देना होगा। तो जितनी उम्र बढ़ रही है हिसाब बढ़ रहा है। इट्स नॉट एन एसेट, इट्स ए लाइबिलिटी। और अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये तो मोमिन के लिए एक कैद खाना है, हाँ काफिरों की जन्नत। وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ, ये हैं वो लोग के जिन पर हर वक्त अल्लाह की इनायतों का नुजूल होता रहता है और रहमत की बारिश होती रहती है। وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, और यही लोग हैं हिदायत याफ्ता, जिन्होंने वाकईतन हिदायत को इख्तियार किया है। और जो ऐसे मरहले पर ठिटक कर खड़े रह जाए, पीछे रह जाए, पीछे बैठ जाए, पीठ मोड़ लें, वो गोया कि खत्म हुआ उनका मामला। अब चूंकि इस मामले में बहस हो गई थी खाने काबा की भी, फिर उसी में मकाम इब्राहिम की बात आ गई थी, तो कुछ जहनों में सवाल पैदा हुआ कि ये जो हज के मनासिक में सफा और मरवा जो है, ये भी तो आखिर उसी का जो है, तो इनकी क्या हकीकत है, कोई हकीकत है या नहीं? फरमाया इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये भी अल्लाह के शायर में से। शायर किसे कहते हैं? वो चीज़ जो शऊर बख्शे। तो वो चीज़ें कि जिनके साथ उलुल अज़्म पैगंबरों या उलुल अज़्म इंसानों, उलुल अज़्म औलिया अल्लाह के कुछ हालात व वाक़ियात का कोई ज़हनी सिलसिला कायम होता हो, वो गोया के शऊर दिलाने वाले होते हैं, याद दिलाने वाले होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ जहन को ले जाने वाले होते हैं। इस एतबार से शायर ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما, तो जो कोई भी हमारे घर का हज करे, बैतुल्लाह का हज करे या उमरा करे, اعتمر فلا جناح عليه, तो कोई हर्ज नहीं है उस पर, ان يطوف بهما, कि उन दोनों का भी तवाफ करे। वो जो सात चक्कर लगाए जाते हैं, ان الصفا والمروه, वमन ततव खैर, जो शख्स जान बूझ कर भला काम करता है, फ़ैन अल्लाह शाकिर अलीम, तो जान लो अल्लाह बड़ा कदरदान है। अब शुक्र इंसान करता है तो उसके मानी क्या होंगे? एहसान मंद होना। वही शुक्र अल्लाह करता है शकूर, उसके क्या मानी होंगे? कदरदानी, मेरे बंदे ने ये काम किया, मेरे बंदे ने मेरे लिए ये मेहनत की, ये कुर्बानी दी। इन अल्लाह शाकिर अलीम, और जानता है, चाहे किसी और को पता ना चले उसे तो मालूम है। अगर तुमने अल्लाह की रजा जोई के लिए किसी को कोई माली मदद दी है, इस हाल में कि जो कुछ दाहने हाथ ने दिया है बाएं को भी खबर नहीं होने दी, कुछ ये कि किसी और इंसान के सामने उसका तस्करा हो, तो अब ये जो है अल्लाह के तो इल्म में है। अगर तो अल्लाह से अजर व सवाब चाहते हो तो उसका डंडोरा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर तुमने लोगों को दिखाने के लिए किया था तो वो तो शिर्क हो गया, लाइबिलिटी हो गई। इन लदीन यकतुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, अब यहाँ फिर कुछ आखिरी यूँ समझिए कि ये अब जिसको कहते हैं मॉपिंग अप ऑपरेशन, बात मजमून तो पूरा खत्म हो गया लेकिन कुछ नहीं सही चीजें अभी हैं साबिका उम्मत मुस्लिमा के बारे में कहने की, वो मजीद ऐड की जा रही है। इन लजीन यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा मिन बाद मा बय्यनाहु लिन्नास फिल किताब उलाइक यलअनुहुमुल्लाह वयलअनुहुमुल लाइनून, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं उस शे को जो हमने नाजिल की है बय्यिनात में से और हिदायत में से, इसके बाद के हमने उनको वाजे कर दिया है लोगों के लिए किताब में, वो लोग हैं कि जिन पर लानत करता है अल्लाह और लानत करने वाले हैं, करते हैं तमाम लानत करने वाले। यानी इल्म एक बहुत बड़ी जो है अमानत है, इस इल्म का छुपाना कितमान हक। हम आयत पढ़ आए हैं,
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَكْتُمُ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. اب انہی کی وضاحت ہو رہی ہے, کیسی کیسی کھلی شہادتیں تورات اور انجیل میں تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے. اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا, سوائے ان کے کہ جو توبہ کرے, رجوع کرے اور اپنی اصلاح کر لے اور اب واضح کرے وہ شے کہ جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی اسے ظاہر کرے. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا اور ان کی طرف میں نگاہِ التفات میں اپنی پھر ان کی طرف متوجہ کر دوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. نہ لدین کفرو ماتو وہم کفار, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مرے اسی حال میں کہ کفر پر قائم تھے, اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, ان پر تو لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی. خالدین فیہا, اس لعنت کی کیفیت میں وہ اب ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, نہ ان پر سے عذاب کے اندر کوئی کمی کی جائے گی. ولا هم ينظرون, نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی کہ عذاب کا تسلسل ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے, سانس لینے کی مہلت مل جائے. ولا هم ينظرون. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, سن لو تمہارا الہ اور معبود ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اب جو آیت آ رہی ہے اس کے پڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اب 22 رکوعوں کا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں, مجھے یہ بات آج شروع میں واضح کرنی چاہیے تھی, اس میں ترتیب کیا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے 18 رکوعوں کی تقسیم ورٹیکل کی ہے ہم نے, 18 کو 4 رکوع ادھر, 10 درمیان میں, پھر 4 ادھر. یہاں اب چلے گی ہوریزونٹل تقسیم, افقی تقسیم, اور اس کی بھی شکل کیا ہے کہ 4 مضامین ہیں کہ جو تانے بانے کے ساتھ بنے ہوئے ہیں, یا 4 لڑیاں ہیں مضمون کی کہ جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا. وہ 4 مضامین کیا ہیں؟ مسلمانوں سے خطاب میں ان کے لیے عبادات اور احکام اور شرائع, یہ واجب ہے, یہ کرنا ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, وغیرہ وغیرہ. اور 2 لڑیاں جہاد, جہاد بالمال, جہاد بالنفس. جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے, جہاں انسان نقد جان ہاتھ پر رکھ کر, ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاتا ہے. جو جنگ میں گیا اس نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دیا, بچ کر آ جائے تو بونس ہے. اس اعتبار سے یہ 4 جڑ گئے. شریعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے, عبادات اور پھر بقیہ احکام شریعت, معاملات, جن میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ سب سے اہم ہے. لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے تفصیلی احکام آئیں گے آئلی قوانین کے ضمن میں. دوسری طرف جہاد بالمال یعنی انفاق, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اور جہاد بالنفس جس کی آخری منزل قتال. اب یہ 4 لڑیاں اس طرح سے ہیں, فرض کیجئے ایک لال لڑی ہے, ایک پیلی ہے, ایک نیلی ہے, ایک ہری ہے, ان کو بٹ دیا گیا ہے. جب ایک طرف سے دیکھیں گے تو کٹا پھٹا نظر آئے گا رنگ, لال نظر آیا, پھر پیلا نظر آیا, پھر نیلا نظر آیا, پھر ہرا, پھر لال, پھر نیلا, پھر پیلا, پھر ہرا. تو ایسا معلوم ہوگا جیسے کٹے پھٹے ہیں مضامین. لڑیاں کھول دیجئے, معلوم ہوگا ایک لڑی وہ بھی بڑی مسلسل ہے جہاد بالمال کی, ایک لڑی ہے جہاد بالنفس یعنی قتال کی, ایک لڑی ہے جو عبادات کی, ایک لڑی ہے معاملات کی اور شریعت کے احکام کی. یہ 4 لڑیاں, اور یہ تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں, لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے حسین پھول موجود ہیں. طویل آیات اور طویل آیات, عظیم ترین آیات قرآن مجید کی, ان میں سے اب ایک آیت یہاں آ رہی ہے. اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الآیات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون.
इतने फिनोमेना ऑफ नेचर किसी एक आयत में जमा नहीं है कुरान। अल्लाह ताला तमाम फिनोमेना ऑफ नेचर को अपनी आयतें करार देता है। आसमान और जमीन की तखलीक, रात और दिन का उलट फेर मुख्तलिफ जगहों पर, और ये जो सितारे हैं और ये जो भी नबातात हैं जमीन की, इनमें से आयतें ही आयत। लेकिन इन आयतुल आयात को जिस तरह यहाँ एक आयत में समोया है, ये हिकमत का एक बहुत बड़ा फूल है, बहुत बड़ा फूल जो उन चार लड़ियों की बुनती के अंदर आ गया है। यकीनन आसमान और जमीन की तखलीक में और रात और दिन के उलट फेर में और उस जहाज में या कश्ती में जो चलती है समंदर में या दरियाओं में, वो सामान लेकर जो लोगों को नफा देता है, बिमा यन्फाउन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस्समाए मिन माइन, और उस पानी में कि जो अल्लाह ने उतारा है आसमान से, फाहिया बिल अर्द बाद मौतिहा, और फिर उससे वो जिंदा कर देता है जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, बे आबो गया जमीन पड़ी थी, बारिश हुई है उसी में से रोइदगी आ गई है, वबस सफीहा मिन कुल्ल दाबा, और ये तमाम हैवानात और चरिंद और परिंद जो उसके अंदर फैला दिए गए हैं, वह तशरीफ रिया है, और ये हवाओं का चलना जो है, कभी परवा चल रही है, कभी पश्चिमी चल रही है, कभी मशरिक से आ रही है, कभी मगरिब से आ रही है, तशरीफ रिया है, वह सहाबिल मुसक्खर बैन समाए व अर्द, और उन बादलों में के जो मुअल्लक कर दिए गए आसमान और जमीन के दरमियान, ला यातिल लिकौमी याकिलून, इन सब में आयात हैं, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लें। इनको देखो और इनके खालिक को मुदब्बिर को पहचानो, आयात है। और इनके आयात के पहचानने का जो अमली नतीजा निकलना चाहिए और जिसको आम तौर पर लोग नहीं पहुंच पाते जिस तक, अब अगली आयत में उसका तस्करा है। नतीजा तो निकलना यह चाहिए कि फिर महबूब अल्लाह ही हो, शुक्र उसी का हो, इताअत उसी की हो, इबादत उसी की हो। जब सूरज में कुछ नहीं, ये तो अल्लाह ने उसको बनाया है, ये हरारत जो है अल्लाह ने दी है, चांद में कुछ नहीं, हवाएं चलाने वाला कोई वही तो है, तो अब किसी शय के लिए कोई शुक्र नहीं, किसी शय के लिए कोई इबादत नहीं, कोई दंडवत नहीं, कोई सजदा नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के लिए, और वही मतलूब मकसूद बन जाए, वही महबूब हो। ला महबूब इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह। जिन लोगों की यहां तक रसाई नहीं हो जाती, वो लोग किसी और शय को अपना महबूब मतलूब बनाकर उसकी परस्तिश शुरू कर देते हैं। खुदा तक नहीं पहुंचे, अपने नफ्सी को माबूद बना लिया, जो ये कहे कर रहे, माबूद तो हो गया। अराए तो मन तखा इलाहु हवा, अपने कौम को माबूद बना लिया, कौम की बर्तनी के लिए और कौम की सरबलंदी के लिए जाने भी दे रहे, वतन को माबूद बना लिया। इस हकीकत को अल्लामा इकबाल ने समझा है, इस दौर का सबसे बड़ा बुत वतन है। इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और, साकी ने बिना की रविश लुत्फ सितम और, तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम और, मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। नेशनलिज्म, टेरिटोरियल वतनी कौमियत, वतन की जय, ये माबूद बनाए बैठे। तो अब यहां सुनिए, वमिन अन्नास, और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, जो अल्लाह को छोड़कर कुछ और चीजों को उसका मद्दे मुकाबिल बना देते हैं। वतन को बना लिया, कौम को बना लिया, ह्यूमनिज्म, इंसानियत, नौ इंसानी, हम उसके खिदमतगार हैं, हम उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ये भी एक माबूद बन गया। और सबसे घटिया इंसान वो है कि अपने ही हुस्न का दीवाना बना फिरता हूं, अपना ही नफ्स है उसी के गिर चक्कर लगा रहा है, वही हरीम है उसका, वही हरम है उसका, और वो तवाफ कर रहा है अपने नफ्स का, तो वो भी तो उसका एक माबूद है। लोगों में से वो भी हैं कि जो अल्लाह को छोड़कर किसी और चीज को उसका मद्दे मुकाबिल बना देते हैं, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और उनसे मोहब्बत करने लगते हैं जैसी कि अल्लाह से करनी चाहिए। ये फलसफा है असल में, हिंदी में इसे आदर्श कहते हैं, अरबी में नस्मुल ऐन, इंग्लिश में आइडियल। हर बाशऊर इंसान किसी शय को अपना आइडियल बनाता है और उससे फिर मोहब्बत करता है, उसके लिए जीता है, उसके लिए मरता है,
قربانیاں دیتا ہے, اثار کرتا ہے, قوم کے لیے قربانی, وطن کے لیے قربانی, فلاح کے لیے قربانی, خود اپنی ذات کے لیے قربانی. یحبونہ کحب اللہ, یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے. جیو اللہ کے لیے, مرو اللہ کے لیے, محبت اس سے کرو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی, تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا. می تراشت فکر ما ہردم خدا بندے دیگر, رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر. انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے اور ان کے لیے محبت کرتا ہے, جانے دیتا ہے, قربانیاں دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. پھر یہ لٹمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے. اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. اگر یہ نہیں ہے, اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے, تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے, چاہے وہ دولت ہی ہے. تائس عبد الدینار و عبد الدرہم, ہلاک و برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام عبد الرحمان ہے, حقیقت میں عبد الدینار ہے. دینار آنا چاہیے, حرام سے آئے, حلال سے آئے, جائز سے آئے, ناجائز سے آئے, تو معبود اللہ نہیں ہے, معبود دینار ہے. ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دیا. یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی. ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیان کے لنک کو, سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو, پیٹرو ڈالر کو پوجو, ڈالر کو پوجو, ترک وطن کرو, ماں باپ کو چھوڑو. یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں, کس لیے؟ ڈالر. کون معبود ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اور کاش کے دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں, ظلم شرک کے معنی, جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور یہ کہ اللہ سزا, شدید العذاب, اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا, اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے. اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں, چاہے ڈیموگوگز ہوں, چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہوں, اپنے پیچھے لگاتے ہیں. اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے, ان کا احترام بھی ہے, ان کے نیچے دبے بھی ہوئے, ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں. قیامت کے دن وہ تبرع کریں گے, ان تم نے ہمیں مروایا, ہم تمہاری پیروی کرتے رہے, ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا. اب وہ اعلان برات کریں گے, اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس تبرع الذین تبعوا, اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. اس روز کے جن لوگوں کا اتباع کیا گیا تھا دنیا میں لیڈر لوگ, وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرع کریں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو, نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو, بیٹے کو, بھائی کو, ماں کو, بیوی کو, اولاد کو, تمام انسانوں کو چھوڑ دو جہنم میں, خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا لو. تقطعت بهم الاسباب, سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے. جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو, جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو, جن کی دلجوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو, دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے,
घर वाले नाराज ना हो जाए। बतकत्तात बेहुल असबाब, ये सारे रिश्ते यहीं तक के लिए खत्म हो जाए। वकाल नजीन तबाऊ, और जो उनके पैरोकार थे वो कहेंगे लौ अन लना करतन, अगर कहीं हमें दुनिया में लौटना नसीब हो जाए। फला तबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, तो हम भी इनसे इसी तरह बरात करेंगे जैसे आज ये हमसे बरात कर रहे हैं। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम, इस तरह अल्लाह उनको दिखाएगा उनके आमाल हसरतें बन जाएंगी। काश कि हमने समझा होता, काश कि हमने इनकी पैरवी न की होती, काश कि हमने उनको अपना लीडर और अपना हादी और रहनुमा न माना होता। वमा हुम बिखारिजिन मिनन नार, लेकिन वो अब आग से निकलने वाले नहीं होंगे। या अय्युह अन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, ए लोगो जमीन में जो कुछ हलाल और तय्यब है, हलाल है और पाक है, साफ सुथरी चीज और हलाल चीज, वो खाओ, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, यकीनन वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। ये बहस असल में खुलेगी सूरह अनआम में जाकर। वहां अरब में ये रिवाज था, बुतों के नाम पर कोई जानवर छोड़ देते थे, जैसे हिंदुओं में भी थी रिवाज, हमने तो बचपन में देखा है, कोई सांड छोड़ दिया, किसी के कान जो है वो चीर दिए, ये फला बुत के लिए है, फला देवी के लिए है। अब उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था, वो जहां चाहे वो मुंह मारे जाकर उनका, और फिर उनका जाहिर बात है उनका गोश्त कैसे खाया जा सकता था। तो अरब में भी ये रिवाज थे और अभी तक उसके कुछ ना कुछ रेजिडुअल इफेक्ट्स थे। आबाओ अजदाद की जो रस्में चली आ रही हों वो आसानी से जो है वो छूटती नहीं है, कुछ ना कुछ असरात रहते हैं, जैसे आज तक हमारे यहाँ हिंदुआना असरात मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों से कहा जा रहा है कि ये तमाम हुरमतें जो तुम्हारे उन लोगों ने, मुशरिकीन ने बना ली थी, ये जानवर हराम हो गया, इसे फलां के नाम पर नामजद किया है, इस ऊंट की जो है इतनी ऊंटनियों के साथ जुफ्ती हो चुकी है, अब बस इसको खाली कर दो, छोड़ दो, ना इसके ऊपर सवारी की जाएगी और ना इसका गोश्त खाया जाएगा, ये कोई नहीं है, जो चीज़ हलाल है असलन और तय्यब है खाओ। इन्नमा यामुरकुम बिस्सुए वल फहशा, यकीनन शैतान तुम्हें हुक्म देता है बदी का और बेहयाई का। वान तकूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, और इसका कि तुम कहो अल्लाह की तरफ निस्बत करके जो तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह ने हराम किया। भाई तुम्हें कहाँ मालूम, कोई दलील लाओ, किसी किताब में दिखाओ कि अल्लाह ने ये चीज हराम कर दी। वइज़ा क़ीला लहुम तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, और जब उनसे कहा जाता है इत्तबा करो उसकी जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, क़ालू वो कहते हैं बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हम तो पैरवी करेंगे उसकी जिस पर हमने पाया अपने आबाओ अजदाद को। अब लौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शैअ वला यहतदून, क्या वो अपने आबाओ अजदाद ही की पैरवी करते रहेंगे, खा उनके आबाओ अजदाद ना किसी बात को समझ पाए हों ना हिदायत याफ्ता हुए। मैंने अर्ज कर दिया था कि सूरह बकरा में जहां दावत तीसरे रुकों की पहली आयत शुरू हुई, या अय्युह अन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तअक़िलून, वो भी तो मखलूक थे जैसे तुम मखलूक हो, तुमसे खता हो सकती है, उनसे भी हुई, तुम गलती कर सकते हो, उन्होंने भी की। वह मसल الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع الا دعاء ونداء, याद रहा तमसील के अंदर एक पेचीदगी है कि बदाहिर तर्जुमा तो यह होगा कि मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया उस शख्स की सी है जो पुकार रहा है ऐसी चीज को जो न सुनता है न समझता है। हाँ यह पता चलता है कि कुछ पुकार रहा है, जानवर होते हैं उन्हें और क्या समझ में आता। तो यहाँ पे असल में तमसील में मुराद यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान इन लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो कुछ नहीं समझते, दुआ और निदा तो है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फौला याकिलून, लेकिन वो बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, अंधे भी हैं, वो अकल से काम नहीं लेते। या अय्युह अल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अहले ईमान खाओ उन तमाम पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी है। वश्कुरू लिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम वाकईतन उसी की इबादत करने वाले हो। जैसा कि मैंने अर्ज किया सूरह अनआम में ये सारी चीज़ें आएंगी बहुत तफसील से। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल बैता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने वो खाने के जो अहले अरब में उस वक्त राइज थे उनमें से चार चीजों की हुरमत का ऐलान किया है बार बार, मक्की सूरतों में बार बार हुआ है और यहां फिर ये मदनी सूरत के अंदर गोया के आखिरी बार।
इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत, अल्लाह ने तुम पर हराम किया मुर्दार को, जो अपनी आप मौत मर गया, ज़िबह नहीं किया गया। वद्दमा और खून, खून हराम है, नजिस है। इसीलिए जो ज़िबह करने का हमारा तरीका है वो ये है कि सिर्फ गर्दन को काटा जाए ताकि उसमें शरियाने वगैरह कट जाए और अक्सर जो है खून जिस्म का निकल जाए। अगर झटका किया जाए जैसे सिख करते थे, एक ही तलवार के वार से गर्दन उड़ा दी बकरी की, या ये कि जैसे कि यूरोप वगैरह में होता है, तो फिर वो खून अंदर रह जाता है जिस्म के, उसके अंदर फिर वो ऐठन नहीं होती उस हैवान के जिस्म में कि जिससे खून जो है वो बाहर चला जाए। तो वह लहमल खिंजीर, और तीसरी चीज है खिंजीर का गोश्त, और चौथी चीज वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो कि जिस पर पुकारा गया हो किसी का नाम अल्लाह के सिवा। अब इसमें एक चीज तो यह है कि जिस शय को ज़िबह करते हुए किसी बुत का, किसी देवी का, किसी देवता का तस्करा किया, वो तो हराम मुतलक हो ही गया, उसका गोश्त खाना हराम मुतलक है। लेकिन इसी के ताबे यह होगा किसी बुजुर्ग का कुर्ब हासिल करने के लिए उसके मजार पर ले जाकर वहां ज़िबह किया जा रहा है। पूछेंगे तो हम तो अल्लाह के लिए ज़िबह कर रहे हैं, तो अल्लाह के लिए तो अपने घर में भी कर सकते थे ज़िबह, यहां क्यों लाए हो? इसको तुमने किसी एतबार से उस साहिब कब्र का जो है उसका तकर्रुब हासिल करने का जरिया बनाया। ये चीजें भी उसी किताबें हो जाएंगी। अल्लाह के लिए करना तो हर जगह कर सकते हो, हम तो सिर्फ इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं, तो अपने घर में बैठकर करोगे तो क्या इसाले सवाब नहीं हो जाएगा? ठीक है अल्लाह, हम ये खर्च कर रहे हैं, हमने ये जानवर ज़िबह किया है तेरे लिए, इसका सवाब जो है फला को पहुंचा दे। ये है चार चीजें बुनियादी तौर पर। फमन इस्तुर गैरा बागिन वला आदिन, इनमें भी एक रियायत है, अगर कोई मुस्तर हो गया है, मजबूर हो गया है, जान निकल रही है और कोई शय खाने को नहीं, लेकिन दो शर्तें पूरी हो, गैरा बागिन वला आदिन, वो उस हराम की तरफ रगबत ना रखता हो, और ना जो नागुजीर हद है जान बचाने की इससे आगे बढ़े, सिर्फ जान बचाने के लिए मुर्दार का गोश्त भी खा सकता है, सूअर का गोश्त भी खा सकता है, जो भी चाहे जान बचाने के लिए ये रुक सकते हैं, लेकिन उस शय की तरफ कोई रगबत और मैलान तबीयत में ना हो। ये अल्लाह तो जानता है, अगर तो मामला उससे है तो उससे तो छुपी हुई बात नहीं, और जितना नागुजीर है जान बचाने के लिए उससे आगे ना बढ़े। फला इस्माल है, इन दो शर्तों के साथ जान बचाने के लिए हराम चीज भी खाई जा सकती है। इन अल्लाह गफूर रहीम, यकीन अल्लाह गफूर और रहीम। इन लदीन यकतमून माजल्ला मिनल किताब व यश्तरून बिही समनन क़लीला, यकीन वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो अल्लाह ने नाजिल किया है किताब में से और फरोख्त करते हैं उन्हें बहुत हकीर सी कीमत पर, उलाएक मा याकुलून फी बुतूनहिम इल्लन नार, ये लोग नहीं भर रहे अपने पेटों में मगर आग। वला युकल्लमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामा, अल्लाह इनसे कलाम नहीं करेगा क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, न उन्हें पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उलाइकल्लज़ीन इश्तरबुद दलालत बिल हुदा, ये है वो लोग के जिन्होंने हिदायत देकर जलालत खरीद ली है। वल अज़ाब बिल मग़फिरा, और मग़फिरत अल्लाह की अपने हाथ से देकर अज़ाब खरीद लिया है। फमा असबरहुम अलन नार, तो कितना है इनका हौसला आग के लिए, बड़े साबिर हैं उस जहन्नम की आग के लिए, किस तरह तैयारी कर रहे हैं। ज़ालिक बिअन्नल्लाह नज़ला अल-किताब बिल-हक़, ये इसलिए कि अल्लाह ने तो किताब नाजिल की हक के साथ। वइन्नल्लज़ीन इख्तलफू फिल-किताब लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, और यकीनन जिन लोगों ने किताब और शरीयत में फिर ये पगडंडियाँ निकाली इख्तलाफ की, वो बड़ी ही दुश्मनी में और बड़ी ही शकावत के अंदर मुबतला हो गए। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल-क़ुरआनिल अज़ीम, व नफ़अनी वइयाकुम बिल-आयाति वज़िक्रिल हकीम।